You got it? Go down. Yeah. No. But yeah, you see the pricing? So this is, yeah, specifically for you, okay? Yeah, tell him. Yeah, okay, I'll wait for your email then. All right, thanks. Bye, good night. हाँ भाई, कुछ कहना चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कहूँ या ना कहूँ। तुम जानती हो मुझे लगी लिपटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी कहना स्ट्रेट अवे कहो, बिला झिझक। अंकल, मुझे लगता है अदील और अनीला के बीच में कुछ नाचाकी चल रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने महसूस किया इस बात को। तुमने महसूस किया है, पर मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं एक लड़की हूँ, दूसरी लड़की के तासुरात देखकर जान सकती हूँ कि क्या चल रहा है। ये तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो फिर इसका क्या हल हो सकता है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? इसका तो बस एक ही हल हो सकता है कि फिर तुम अदील से बात करो या मैं अनीला से बात करता हूँ। अदील तो मेरी बात ही नहीं सुनता। ठीक है, मैं अनीला से बात करके देखता हूँ फिर। हाँ, कर लीजिए, देखिए वो क्या कहती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस घर में रहने वालों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ गलत फहमियाँ पलें। तुम चेक करो। जाहिर है अंकल, आप ही इस घर को टूटने से बचा सकते हैं। कौन? आ जाओ। आप यहां? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं, मैं बस हैरान हूँ आप मेरे कमरे में। वो आपसे एक बात कहने आया हूँ। जी बोले। वो मैं कोई काम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो रोका किसने है आपको? हालात ने, काफी अरसे से मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो इस सूरत में मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप अदील साहब से कह के मुझे कोई काम पे लगवा दें। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, कोशिश नहीं, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। सासू माँ ने मुझे अल्टीमेटम भी दे दिया है। अच्छा, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, मैं कोशिश करती हूँ, मैं अदील से बात करती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो। अच्छा, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलता हूँ। अम्मा, अम्मा। क्या हो गया ये अम्मा? मैं तुझे 10 बार मना किया है ना,
मुझे अम्मा मत कहकर मम्मी बोल, बल्कि तूने कहा था कि मैं मॉम बोलूंगी। फिर गोली मारो मॉम को, मुझे तो अम्मा ही अच्छा लगता है। ये बता किस काम के लिए आई है, क्या बात करनी है? अम्मा नीला ने ना इजहार को अपने कमरे में बुलाया था। इजहार को अनीला ने अपने कमरे में बुलाया था, मगर क्यों? पता नहीं, वो कह रहा था उसने कोई काम की बात नहीं की, लेकिन अनीला उससे उसकी जॉब के बारे में पूछी थी और फिर उसके बाद उसने कहा कि चले जाओ। ये अनीला कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। अम्मा मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन आमना, क्या वो जानती नहीं है कि शगुफ्ता नाम है मेरा? अम्मा मुझे तो लग रहा है वो मेरे इजहार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। क्या बेवकूफाना बातें कर रही हूँ आमना? भला वो इजहार को तुमसे क्यों छीनेगी? और इजहार क्या दूध पीता बच्चा है जो यूं चलते चलते उसके पास चला जाएगा? तो फिर वो क्या करना चाहती है इजहार के साथ? मैं समझ गई। क्या समझ गई, मुझे भी कुछ समझाओ। अरे मैं ये समझ गई कि उसने इजहार को बस यूं ही बुलाया होगा। यूं ही क्यों बुलाया होगा? वो सिर्फ तुझे टेंशन देना चाह रही है। क्या वाकई उसने ऐसा सोचा होगा? हाँ भाई, वो तुझे और मुझे तपाने ही तो चाहती है और बस। शुक्र है अम्मा, तुमने मेरे दिल का वहम ही हल्का कर दिया। वहम दूर हो गया ना, अब जाओ, जाके कमरे में आराम करो। मुझे मालूम तो करना ही पड़ेगा कि वो क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है।